सूरत से बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के दोषी करार देने के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? सभी मोदी सरने वाले चोर क्यों होते हैं? इस बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सूरत में उनको दोषी करार दिया गया है। ये भी बड़ा चिंतन का विषय है कि आज हालात ये हो गए हैं कि लोगों को मोदी शब्द किसी का है या मोदी का सरनेम है उस पर लोगों की मानहानि हो जाती है। ये क्या कारण है? तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कर्नाटक में ये कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। ऐसे में जो पूर्णेश मोदी है बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा कि मोदी समुदाय की भावनाएं जो है उनको ठेस पहुंची। ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिस प्रकार से हालात इस देश में चल रहे हैं, वहाँ पोस्टर पे केस बन जाता है, वहाँ पे नारे लगाने पे केस बन जाता है और मोदी का नाम लेने से केस बन जाता है। ये भारत की लोकतंत्रीय व्यवस्था हो गई है। भारत की कानूनी व्यवस्था पर तो विश्वास रहता है ना आप लोग को? अगर कोर्ट कह रहा है कि दोषी है, कोर्ट कह रहा है तो उसकी अपील की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे दिग्विजय सिंह, कहते हुए कि अगर कोर्ट कह रहा है सूरत का तो ज़रूरी नहीं कि हम उससे संतुष्ट हों और हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।